फेसबुक अब लाइव स्ट्रीमिंग के नए रूल्स ला रहा है। अगर आप ये रूल्स या नियम तोड़ते हैं तो आप भी फेसबुक से बैन हो सकते हैं। ये नए रूल्स क्या हैं और क्यों आ रहे हैं और आपको क्या ध्यान में रखना होगा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं तो इस टॉपिक पर हमारे चैनल पर एक वीडियो पहले से है। आप स्क्रीन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आई के निशान पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। कुछ समय पहले न्यूजीलैंड के एक मॉस्क में मास शूटिंग हुई थी और उस गनमैन ने पूरे एक्ट को लाइव स्ट्रीम किया था फेसबुक पर। इससे पहले कि कुछ पता भी चलता, हजारों लोगों ने उस लाइव स्ट्रीम को देख लिया था और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर चुके थे। लेकिन अब फेसबुक लाइव स्ट्रीम से संबंधित नए रूल्स आ रहे हैं। अब जो भी लोग फेसबुक की सबसे सीरियस पॉलिसीज तोड़ते हैं उन्हें फेसबुक लाइव से बैन कर दिया जाएगा 30 दिन के लिए। ये वन स्ट्राइक रूल फेसबुक पर टेररिस्ट कंटेंट या एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट को लाइव स्ट्रीम होने से रोकेगा, ऐसा फेसबुक का मानना है। ये है फेसबुक की साइट और यहाँ वो कह रहे हैं, प्रोटेक्टिंग फेसबुक लाइव फ्रॉम अब्यूज एंड इन्वेस्टिंग इन मैनिपुलेटेड मीडिया रिसर्च। नीचे जाते हैं, अब फेसबुक का यूज रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो फेसबुक का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या नफरत फैलाने के लिए करते हैं। अब ऐसे कंटेंट को कई लोगों ने मैनिपुलेट किया और उसे रीपोस्ट भी किया ताकि वो डिटेक्ट ना हो सके उसे मॉडिफाई करके। इसलिए फेसबुक अब $7.5 मिलियन खर्च करेगा और टेक्निकल इनोवेशन में इन्वेस्ट करेगा ताकि ऐसा हेट कंटेंट स्प्रेड ना हो सके। मेजॉरिटी लोग, अधिकतर लोग फेसबुक लाइव को अपने पर्सनल मोमेंट्स को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव मैसेजेस पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि फेसबुक लाइव का मिसयूज हो सकता है इसलिए अब कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अभी तक अगर कोई ऐसा कंटेंट डालता था जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को वायलेट करता था लाइव या वैसे भी, तो उसकी पोस्ट डिलीट कर दी जाती थी और उसको कुछ टाइम के लिए फेसबुक से ब्लॉक कर दिया जाता था। लाइव का फीचर भी चले जाता था और कुछ केसेस में तो लोगों को बैन भी कर दिया जाता था। लेकिन अब वन स्ट्राइक पॉलिसी अपनाई जा रही है, स्पेशली लाइव के बारे में। अब अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप का कंटेंट शेयर करता है तो उसे लाइव स्ट्रीम करने से इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, खास करके अगर उसने कोई कॉन्टेक्स्ट के बिना वो स्ट्रीम शेयर करी। ऐसे लोगों को फेसबुक पर एड्स भी नहीं क्रिएट करने दी जाएंगी। फेसबुक ऑडियो मैचिंग टेक्नोलॉजी और वीडियो मैचिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा ताकि एक्सट्रीमिस्ट और हेटफुल कंटेंट शेयर ना हो सके उसके प्लेटफॉर्म पर। अब मैनिपुलेटेड मीडिया और फेक न्यूज के खिलाफ फेसबुक बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, खास करके ऐसे कंटेंट को लेकर जो इंटेंशनली मैनिपुलेट किया गया है, जानबूझकर उसे बदला गया है, जैसे ऐसी चीजों या इवेंट्स के बारे में जो हुई ही नहीं। अब इसका असर हम सब पर होगा। अगर आपको कोई हेट वीडियोस, एक्सट्रीमिस्ट वीडियोस दिखाता है या अगर आपसे कोई शेयर करता है तो उसे बिना सोचे समझे रीपोस्ट मत करिए। क्या आप भी उसी हेट कंटेंट को इनडायरेक्टली स्प्रेड नहीं कर रहे? और लाइव स्ट्रीम करना भी है तो ध्यान से, आपके मैसेजेस और व्यूज ऐसे ना हो जिनकी वजह से आपको फेसबुक बैन कर दे। अभी के लिए बस इतना ही। क्या कैसे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को उन सब के साथ शेयर करिए जो इससे फायदा उठा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता, थैंक यू, धन्यवाद।